हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल 3 भी है जो हम आर्डिनो बोर्ड में जो एलईडी है उसको हम ब्लिंक करेंगे और इसका हम टाइमिंग भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कोड में क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आर्डिनो का आईडी ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको पिन मोड में एलईडी अंडरस्कोर बिल्ड इन, इसको आपको इनिशियलाइज करना है। और फिर यहाँ पर हम जब इसको हाई करेंगे तो ये एलईडी ग्लो हो जाएगा। और फिर 1 सेकेंड के बाद फिर हम इसे लो करेंगे तो ये एलईडी बंद हो जाएगा। उसके बाद डीले हमने लगाया 1 सेकेंड का, तो ये कंटिन्यूअसली प्ले होते जाएगा। अब हम इस कोड को वेरीफाई कर देते हैं और फिर इस कोड को हम अपलोड कर देते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये देखिए, हमारा जो आउटपुट है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यस, ये हमारा आउटपुट, ये अपलोड हो गया कोड। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए हमारा जो एलईडी था वो थोड़ा टाइम 1 सेकेंड के लिए बंद होगा, फिर 1 सेकेंड बाद वो ग्लो होगा। इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इसको हम टाइमर चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसे ग्लो किया 5 सेकेंड्स के लिए, अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया, कंपाइल कर देती हूँ और फिर मैं इस कोड को अपलोड कर देती हूँ। ये देखिए, अपलोड करने के बाद ये 5 सेकेंड्स के लिए ग्लो होगा और फिर 5 सेकेंड्स के बाद ये 1 सेकेंड के लिए बंद होगा, फिर ये 5 सेकेंड्स के लिए ग्लो होगा, ये देखिए बंद हो गया, फिर 5 सेकेंड्स के लिए ग्लो होगा और फिर ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग चेंजेस इन द कोड। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।